Hello friends, welcome to my channel Ultimate Art and Food. आज मैं रिपीट वीडियो लेकर आई हूँ. इसके पहले मैंने टेडी बियर स्विंग का राउंड शेप का झूला पोस्ट किया था. फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्क्वायर शेप टेडी बियर स्विंग का झूला. यहाँ पे मैं यूज करने जा रही हूँ डोरी और वुडन बीड्स. यहाँ पे जो हमने ग्रिल ली है वो 1 फुट बाई 1 फुट की है और हम यहाँ पे डोरी ले रहे हैं वो 6 mm से 8 mm के बीच वाली जो आती है ना, वही हमें यूज़ करनी है फ्रेंड्स. इसके लिए भी और बड़ा झूला जो रजवाड़ी स्टाइल हम बनाते हैं ना, उसके लिए भी हमें सेम स्टाइल डोरी ही यूज़ करनी है फ्रेंड्स. नई नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में रहे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं. सो प्लीज सब्सक्राइब अल्टीमेट आर्ट एंड फूड. तो यहाँ पे मैं 12 फुट की दोरियां कट करूंगी. 12 से 14 दोरी हमें कट करनी है. जहाँ तक हमारी पहली वाली जो सबसे स्मॉल वाली ग्रिल है ना, वो भर ना जाए, इतनी दोरियां हमें इसमें लगानी है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे मैं 12 फुट की दोरियां कट कर रही हूँ. और इसे कट करते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये बीच में से मुड़ती जाती है, इसलिए एक्यूरेट ना पाए ये हमें खास देखना है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोरियाँ कट कर ली है. अब मैं इसे इस तरीके से जॉइंट करने जा रही हूँ. सबसे ऊपर वाली ग्रिल में हमें ऊपर से डालते हुए दोरी के बीच में से निकालना है. आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ. सारी ऊपर वाली जो पूरी ग्रिल है ना, वो हमें दोरियों से भरनी नहीं है फ्रेंड्स. एक साइड से हमें ओपन रखना है. आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोरियाँ ज्वाइंट कर ली है. इस तरीके का रजवाड़ी झूला जो बड़ा आता है ना, उसकी वीडियो भी मैंने मेरी चैनल में डाला हुआ है फ्रेंड्स. आप लोग मेरी चैनल में सर्च कर लीजिए या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी. अब मैं नीचे की लाइन में इस तरीके से ज्वाइन कर रही हूँ दोरियां. आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरीके से कर रही हूँ. तो सारी दोरियां हमें इस तरीके से ज्वाइन करनी है. बीच में से निकालते हुए पूरी ग्रिल को मैंने यहाँ पे कवर हो जाए इस तरीके से झूला बनाकर ऊपर से ग्रिल से ज्वाइन की है दोरियां. तो अब मैं जा रही हूँ लास्ट वाली ग्रिल में ज्वाइन करने. तो उसमें भी हमें सेम स्टाइल करना है. नीचे उतार लेंगे दोरियों को और बीच में से इस तरीके से निकालते हुए हम दोरियों को ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स. तो यहाँ पे पूरी दोरियां ज्वाइन कर ली है मैंने, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी फ्री है. तो यहाँ पे मैंने सारी दोरियाँ ज्वाइन कर ली है, आप लोग देख सकते हैं. अब मैं जा रही हूँ नॉट लगाने. तो नॉट लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड वाली दो दोरियाँ हटानी है और एक साइड पकड़ के रखना है. इंग्लिश का फोर बनाना है. बीच वाली दोरियां हमें बीच में ही रखनी है और इस तरीके से नीचे से ऊपर लेनी है लेफ्ट हैंड की दोरी. राइट हैंड को हमें इंग्लिश का फोर बनाना है फ्रेंड्स. तो ये देखिए हमारी नॉट बनकर रेडी हो गई है. इसी तरीके से हम जो राइट हैंड से फोर बनाया था ना, अब हम लेफ्ट हैंड से फोर बनाएंगे और राइट हैंड की दोरी हम नीचे से ऊपर ले लेंगे फ्रेंड्स. ये नॉट एक बार समझ में आ जाए तो इस झूले में बिल्कुल भी आसानी रहती है बनाने में. पूरे झूले में हम इसी नॉट का यूज करेंगे. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसी तरीके की दो दो नॉट लगाते हुए एक लाइन कंप्लीट कर ली है. अब हम जा रहे हैं दूसरी लाइन बनाने. तो दूसरी लाइन में हमें क्या करना है, तो बीच में थोड़ी सी जगह बनाते हुए लाइक जो हमने वुडन बीट्स लिए हैं ना, वो बीट्स हम बीच में डालें तो कितनी जगह छूटती है फ्रेंड्स, उतनी ही जगह हमें बीच में छोड़नी है. और दूसरी नॉट ऐसी दो दो पैर वाली बनानी है. एक राइट से लेना है, दूसरा लेफ्ट से लेना है. एक लाइन हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स. उसके बाद हम जा रहे हैं दूसरी लाइन बनाने. तो दूसरी लाइन में हमें क्या करना है, पहली दो दोरी को हमें लीव करना है और बीच वाली जो दो दोरी है ना, उससे हमें सेम स्टाइल नॉट लगानी है.
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी ट्यूटोरियल लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आप ये झूला घर पर आसानी से बना सकते हैं, तो प्लीज प्रेस थम्स अप, एक लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने दूसरी लाइन जो रेडी की है ना फ्रेंड्स, वहां पे हम बीट्स डालने जा रहे हैं। बीट्स आप अपने चॉइस के हिसाब से कहीं पे भी डाल सकते हैं, बीच वाली लाइन में या तो फिर ऊपर वाली लाइन से कहीं से भी बीट्स डालने की शुरुआत कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं बीट्स कैसे डाल रही हूँ, नीचे जो हमने नॉट लगाई हुई ना, वो नॉट को हमें खोल कर बीट्स को अंदर डालना है और इस तरीके से हमें बीच में बीट्स को फिक्स करना है और वापिस से नीचे हमें दो नॉट का एक पैर बनाना है, लाइक दिस। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम दो नॉट की एक पैर बना लेंगे, सेम स्टाइल हम पूरी लाइन बनाकर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी चैनल में मैंने काफ़ी सारे रेसिपी वीडियोस भी डाले हुए हैं, अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियोस भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर बनता है मेरी इस चैनल के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से बुनते हुए मैंने पूरा झूला नीचे उतार लिया है और अब हम बनाने जा रहे हैं साइड के हैंडल्स। तो हैंडल्स के लिए मैंने 12 फुट की जो दोरिया कट की थी ना, वो मैंने दूसरी लाइन से ज्वाइंट करी है। सबसे स्मॉल वाला जो पार्ट होता है ना ग्रिल का, वहां से ज्वाइंट नहीं करी है फ्रेंड्स। और बीच वाली जो दोरिया हमें स्टेबल रखनी है, वो हम झूले की लेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे और बाकी जो साइड वाली जो दो दोरिया है ना, जिससे हमें बुनाई करनी है, वो हम लंबी रखेंगे फ्रेंड्स। इससे दोरियों का वेस्टेज बहुत ही कम निकलेगा। और अब हम नोट लगाते हुए साइड की चोटी बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे चोटी बनाना शुरू कर चुकी हूँ। और उसके बाद जब हम बीच में आएंगे, झूले से हमें इसे अटैच करना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया हुआ है। और अब हम बेस की ग्रिल ज्वाइन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। रजवाड़ी झूला जो मैंने डाला है चैनल में, उसमें मैंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया है, आप लोग उसमें पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे बेस की ग्रिल ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो बेस की ग्रिल में हमें क्या करना है, बेस की ग्रिल को हम इस तरीके से पकड़कर इस तरीके से नीचे वाली जो दोरिया है ना, एक्स्ट्रा पोर्शन हमारा, उससे हम बेस की ग्रिल को इस तरीके से पहले चोटी के साथ अटैच करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें किस तरीके की नॉट लगा रही हूँ। बीच से निकालना है हमें, ताकि जो नॉट है वो हमारी सिक्योर नॉट बने। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और अब हम दूसरी चोटी भी अटैच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये झूला हमारा स्टेबल हो गया है। नीचे जो बची हुई दोरिया है ना, उसमें डेकोरेटिव पार्ट बनाना है और ऊपर हमें डेकोरेटिव पार्ट बनाकर झूले को एंड टच देना है फ्रेंड्स। ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बड़े झूले में डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।